दोस्तों आज बात करने वाले हैं 35x35 हाउस प्लान की। जैसा कि आपने स्क्रीन पर हमारा थंबनेल देखा होगा, इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है और पूरा मॉडल को मैं आज ओवरव्यू देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया है, लो बजट हाउस और एक बेहतरीन सा डिज़ाइन और एक स्पेसिफिक घर है जो कि चारों तरफ से ओपन है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा मॉडल चारों तरफ से ओपन है, चाहे आप 2 फिट या 3 फिट भी जगह छोड़ सकते हैं। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं 35x35 हाउस प्लान की। तो बने रहिए आप इस वीडियो में लगातार। मैं हूं पहुंच आगले और आप और दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, इस बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सके। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आप ये मॉडल जो देख रहे हैं इसी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट बात की करें फ्रंट की, तो ये फ्रंट एरिया है आपका, सामने ये लुक रहेगा, इस साइड से आपका ये लुक रहने वाला है। और अगर पीछे की बात करें सबसे पीछे की बैक की, तो ये लुक है और इस साइड की ये लुक है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये दोस्तों मकान की राइट हैंड साइड है, ये फ्रंट है आपका। तो इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने क्रिएट किया 35x35 में हाउस प्लान। तो अगर हम इसे जूम करके आपको दिखाना चाहें तो आप इसे जूम करके देख सकते हैं, इसका रियलिस्टिक व्यू। जो मैंने यहाँ पर रेलिंग क्रिएट की है, रेलिंग के ऊपर मैंने कुछ पेड़ वगैरह लगा रखे जो आपके घर को और एक बेहतरीन लुक दे देता है। और ये कुछ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें मैंने क्रिएट की हैं। और ये स्टोन ये देखिएगा पूरा मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करें या फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट से दोस्तों ये रोड है आपका और चारों तरफ लगभग 3 या 4 फिट ये ऊपर मैंने रखा है, इसीलिए चारों तरफ से विंडो और डोर भी मैंने दिया है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर में ये आपको देखिए देखने को मिलता है, बाउंड्री आपके रिमूव कर देता हूं मैं। और यहाँ पर ये देखिए फ्रंट लुक, ये मेन डोर है और ये दोस्तों जैसे मेन डोर से आप एंट्री करते हैं, ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हैं। ये बड़ी सी गैलरी है जिसके माध्यम से आप आंगन में या एक बड़े से लिविंग एरिया में आ सकते हैं। इस लिविंग एरिया से ही आपकी प्रत्येक रूम या लेट बाथ या किचन में एंट्री है। चारों कॉर्नर पर बेडरूम मैंने क्रिएट किए हैं, चारों कॉर्नर पर 4 बेडरूम हैं। सामने 2 लेट एंड बाथ क्रिएट किए हैं, साइड में किचन क्रिएट किया, ये आप देख रहे हैं। साइड में आपका ये यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे स्टेयर्स हैं। तो अगर ये चारों जो बेडरूम हैं, इन चारों बेडरूम के लिए कि अंदर से मैंने अगर बात करें तो इस जगह से डोर दिया है इस बेडरूम के लिए, इस कॉर्नर वाले बेडरूम के लिए भी यहाँ से डोर है। और अगर बात करें पीछे वाले बेडरूमों की, तो उसका भी फ्रंट से ही डोर है। और ये आगे वाले जो बेडरूम है, तो गैलरी मैंने अंदर से एक एक विंडो दिया है। साथ साथ अगर हम बाहर की बात करें, फ्रंट की बात करें, तो फ्रंट से दोनों कॉर्नर पर जो बेडरूम है अलग अलग मैंने यहाँ पर एक विंडो दिया है। अगर इस साइड की बात करें, यहाँ पर एक विंडो और डोर भी दिया है इस वाले कॉर्नर वाले फ्रंट में, जो कॉर्नर है लेफ्ट हैंड साइड पर उस पर एक डोर मैंने बाहर से भी दिया है और एक विंडो भी दिया है। सेम टू सेम जो राइट हैंड कॉर्नर पर एक आपका बेडरूम है, उस पर भी मैंने एक डोर और विंडो यहाँ पर दे रखा है बाहर से। अगर बात करें ये किचन है, जो किचन में मैंने एक बड़ा सा विंडो दिया है बाहर से, इसे वेंटिलेशन होता रहे प्रॉपर। और जो पीछे वाले कॉर्नर के बेडरूम है, वहाँ पर भी मैंने दोनों कॉर्नर पर यहाँ पर देखिए विंडो दिया है, फिलहाल यहाँ डोर नहीं दिया। ये डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से कुछ चीज़ें क्रिएट कर दिया। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा जैसे आप आते हैं इस कॉर्नर पर, पीछे वाले कॉर्नर पर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, तो वहाँ पर भी मैंने विंडो दिए हैं दोनों कॉर्नर पर। और ये कुछ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें। तो ये पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें 35x35 में बड़ा सा एरिया, 4 बेडरूम, 2 लेट एंड बाथ, 1 स्टेयर्स और किचन के माध्यम से पूरा मकान डिज़ाइन हो जाता है। तो ये तो पूरा ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो ये इसका फर्स्ट फ्लोर है, 3.5 फुट का चारों तरफ से बाउंड्री। उसमें मैंने कुछ ये डिजाइनिंग के पर्पस से ये ग्लासेस लगा दिए है चारों तरफ, आप देख पा रहे होंगे। ये आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक दे देता है। और ये देखिएगा जो फ्रंट में जो डिजाइनिंग के पर्पस से मैंने चेंज किए, उस पर एक विंडो दिया है जो कि पैनल टाइप का आपका यूज कर सकते हैं, जिसमें आपके एक अलग लुक देता है। और ये 3.5 फुट के बाउंड्री के अलावा ये मैं कॉर्नर पर मैंने कुछ ट्री लगा दिए हैं, जिससे आपके घर के लुक और बेहतरीन लगे। तो ये पूरा 35x35 में हाउस प्लान था जो मैंने आपको क्रिएट किया। तो अगर अब हम इसके कॉस्ट की बात करें, अगर इसके कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं इस मकान की, तो दोस्तों आप हमारी स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसके माध्यम से जाकर स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पर ओवरऑल आपको मटेरियल कितना लगने वाला वो फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ साथ कॉस्ट कितना लगेगा वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मॉडल या वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और ये अगर आप वीडियो फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं, तो हमारे पेज स्मॉल हाउस प्लान को फॉलो कर लें। और वीडियो अगर आप यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर